हेलो फ्रेंड्स, मैं डीएस रजावत और नेट्स ऑफ बिजनेस में आने से पहले मैं एयरफोर्स में था। और एयरफोर्स में आने की भी एक कहानी थी कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन तीन छोटी बहनों का बड़ा भाई होने के नाते मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जो पेरेंट्स से मुझे दिखा करती थी। और उन जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ के एयरफोर्स को ज्वाइन किया और वहाँ रहते हुए तीनों सिस्टर्स की शादी की, अपनी शादी की। और ये आप जानते हैं, जनरली सोशल लाइफ में सभी लोग ऐसे ही जीते हैं, लेकिन मेरे ख्वाब बड़े थे। कुछ लिमिटेशंस जो थी मेरे पास, मैं कुछ जीना चाहता था। जो ज़िंदगी मुझे मिली थी, मैं चाहता था इसको पूरे वर्ल्ड वाइड जीऊँ, इसको इन्जॉय करूँ। इसलिए मैंने एयरफोर्स के साथ साथ एक MNC कंपनी को ज्वाइन किया। सपने बड़े थे, लेकिन 14 साल उसमें काम करता रहा। कुछ रिक्वायरमेंट अच्छे पूरे हुए, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल पाई मुझे जो मुझे चाहिए थी, वो दायरा नहीं मिल पाया मुझे। तो ये नेट्सअप का बिजनेस मुझे 2016 में एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से मेरे पास आया। एक्चुअली क्या बताऊँ के बारे में, मैं थैंक यू भी बोलूँगा और ये भी कहूँगा कि वो किसी भी कंपनी में डेडिकेटेड नहीं होते थे। और मुझे मालूम था कि ये करियर प्लान है, लेकिन ये कर नहीं सकते। मैंने उनसे कहा भी ऐसा कि अगर आप इसको करते हैं तो आपको अगली जनरेशन में शायद किसी काम को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 2 महीने के बाद ही मेरे पास एक दूसरा प्लान लेके आया, और इसलिए मैंने उनके साथ इसको नहीं किया। तकरीबन 1 साल के बाद में मुझे फिर लखनऊ में एक अच्छे अपलाइन मिले, ग्रेट अपलाइन मिले। उनके माध्यम से प्लान मुझे सुनने को मिला। मैं पहले से ही कॉन्फिडेंट था, लेकिन एक अपलाइन, एक मार्गदर्शक बहुत ज़रूरी होता है, एक गुरु बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने उनके साथ में काम को स्टार्ट किया, और जैसे ही काम शुरू किया तो चैलेंजेस फिर आए, क्योंकि वाइफ को लगता था कि मैंने एयरफोर्स छोड़ा है और उसके बाद मुझे बैंक में जॉब करना चाहिए था, क्योंकि मेरे सभी कलीग्स जो एयरफोर्स से आए थे वो सभी बैंक में ज्वाइन हो चुके थे, और उनकी एक सैलरी थी, एक रिटायरमेंट इनकम थी, और मेरी वाइफ उसको कैलकुलेट करके मुझे दिखाती थी। लेकिन मुझे नेट्सअप में ये दिखता था कि अगले 3 साल के अंदर मैं करोड़पति बन जाऊँ और मेरी महीने की इनकम 8 से 10 लाख होगी। ये मुझे फर्म बिलीव था, ट्रस्ट था, ये वाइफ को बिलीव नहीं था। लेकिन 2 महीने बाद जब मैंने थाईलैंड टूर अचीव किया, थोड़ा सा उनको ट्रस्ट आया। 8वें महीने के करीब ही मैं 1 लाख के मार्क को टच कर गया था। दैट वॉज ब्यूटी ऑफ नेट्सअप बिजनेस, दैट वॉज ब्यूटी ऑफ हिज सिस्टम, फास्टैग सिस्टम, जिस वजह से मैं इसमें आया था। और आपको मैं बताऊं, मुझे बड़ा हर्ष होता है कि मेरी वाइफ जब पहली बार मालदीव गई थी तो उन्होंने मुझको ट्रस्ट किया, और रिटर्न में उन्होंने मुंबई में मुझसे किया कि देव आज से आप काम शुरू करिए, मैं आपको फुल सपोर्ट देती हूँ। और उन्होंने जब सपोर्ट देना मुझे शुरू किया, मैंने 1 साल के अंदर कैप किया। एग्जैक्टली 36 मंथ में मैं 11,44,000 के पेआउट पर पहुँचा, और वहाँ से मेरी टीम में एक ट्रस्ट बढ़ा। उनको एक बिलीव हुआ कि इफ़ रजावत कैन डू, हम भी कर सकते हैं। तो आज एक बेहतरीन टीम मेरे पास है, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स मेरे पास हैं, लगभग 22 MCM मेरे पास हैं। मैं उनको सलूट करता हूं, बिकॉज उनकी वजह से ही मैं यहां पे हूं। कैबिनेट टीम मेरे पास है, हम बहुत अच्छे टूल्स को जनरेट करते हैं, बहुत यूनिटी के साथ काम करते हैं। और जो मेरा एक ड्रीम था, जो सोशल वर्क का, कि किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि देश में किसानों के लिए बात करके कुछ नहीं किया जा सकता है, उनके लिए काम करना चाहिए। तो हजारों किसानों के साथ आज मैं काम करता हूँ। कई सोल्जर्स जो रिटायर्ड हैं, वो मेरे इनकम को देख के डिफेंस से रिटायर होके आज मेरे साथ आ रहे हैं। मोर देन 50 ex-servicemen आर वर्किंग विथ मी, और उनको भी एक ड्रीम है कि अगर रजावत 2 करोड़ रुपए कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। आज पहले मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको, मैं पहले थोड़ा फाइटर किस्म का आदमी था। जैसे मैं डिफेंस पर्सनल हूँ तो मेरी लड़ाई ज़्यादा होती थी, मैं गुस्सा ज़्यादा हो जाता था, बट नेट्सअप ने मुझे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है। आई एम ए गुड मैनेजर, आज मैं अच्छा पापा हूँ, एक अच्छा बेटा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा सोशल वर्कर भी हूँ। मैं ऐसी बातें करता हूँ, थोड़ा आंखों में आंसू भी आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लो लाइफ देखी है, एवरेज लाइफ देखी है, लेकिन आज मैं जो लाइफ जीता हूँ, आपको बताऊँ कि इनकम नहीं बोलना चाहिए लोगों से, क्योंकि प्रभावित करके लोगों को नहीं आना चाहिए, उनका गोल होना चाहिए। बट एक बताऊँ कि एक डिफेंस पर्सनल के पास आज 30 लाख रुपये की कार है, आज उस इलाके का सबसे बेहतरीन मकान मेरे पास है। सबसे बड़ी चीज़ मेरे पास ये है, मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी वाइफ मुझे बहुत प्यार करती है। और इसलिए नहीं कि मैं पैसे कमाता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं चेंज हो गया हूँ। आई एम ए गुड फादर, आई एम ए गुड सन। और इन फ्यूचर मैं आप सबको बोलता हूँ कि नेट्सअप बिजनेस है, पूरी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में जहाँ जहाँ नेट्सअप बिजनेस होगा, रजावत वहाँ मिलने वाला है। और इसकी यूनिकनेस, सिस्टम की जो प्लेटफॉर्म है, इसकी वजह से कोई भी व्यक्ति यहाँ सफल हो सकता है, कोई भी। उसको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट ही नीड टू फॉलो नेट्सअप सिस्टम। और जो लिमिटेशंस की लाइफ मैंने पूरी जी है, उसके बारे में आज मैं बोलना चाहता हूँ। इफ़ यू हैव गट्स, यू हैव पैशन, देन स्काई इज द लिमिट। देयर इज नो लिमिटेशंस इन नेट्सअप बिजनेस।